हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई द केसीएल फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। देखो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट के लिए हमें केसीएल वेरीफाई करना है। केसीएल इट मींस किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ओम्स लॉ का यूज कैसे करना और सीरीज पैरेलल कैसे करना बस वो पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमें अगर केसीएल वेरीफाई करना है तो केसीएल का स्टेटमेंट क्या है, केसीएल के आप 2-3 स्टेटमेंट बना सकते हैं। केसीएल का स्टेटमेंट ऐसा होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द नोड। ये एक स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट आप ऐसा भी कह सकते हैं, टोटल सम ऑफ ऑल द ब्रांच करंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स करंट। आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां पे अगर ये स्टेटमेंट का यूज करें तो यहां पे ये सर्किट में देखो यहां पे कितने सारे करंट्स हैं। यहां पे एक करंट दिया है I और यहां पे तीन ब्रांचेस में तीन करंट दिए हैं I1, I2, I3। पूरे सर्किट में ये है टोटल वोल्टेज, ठीक है, पूरे सर्किट का ये टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज के वजह से टोटल करंट फ्लो हो रहा है और फिर ये टोटल करंट आगे तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, I1, I2, I3 ऐसा। तो यहां पे सोर्स करंट हो गया I और ब्रांच करंट्स हो गए I1, I2, I3। तो हमें क्या करना है कि यहां पे सम ऑफ ऑल द ब्रांच करंट्स, ये सभी ब्रांच करंट्स का हमें सम करना है और वो सोर्स करंट के बराबर आना चाहिए। इट मींस सोर्स करंट जो I है उसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब इसका रिलेशन कुछ ऐसा हम कह सकते हैं कि सोर्स करंट I मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द ब्रांच करंट्स, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो ऐसा ये हमें रिलेशन प्रूफ करना है। अगर ये रिलेशन हम प्रूफ कर लेते हैं तो ये KCL यहां पे वेरीफाई हो जाएगा। जैसा हमने कहा था, सम ऑफ ऑल द ब्रांच करंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स करंट, ठीक है। तो हमें ये स्टेटमेंट यहां पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, ये सर्किट को आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको रीड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हमने न्यू सर्किट बना लिए हैं, हमने इसी सर्किट को रीड्रॉ करके कुछ ऐसा बना दिए। यहां पे तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में थे, ये तीनों रेजिस्टेंसेस हमने यहां भी पैरेलल में रखे हैं, लेकिन हमने चेंज क्या किए, चेंज ये था कि यहां पे जो है आपको अलग अलग नोड दिखाई दे रहे थे। देखो ये भी एक नोड है, इट मीन जंक्शन पॉइंट, यहां पर भी एक आपको नोड दिखाई दे रहा था। तो हमने क्या किया, ये सभी नोड को कंबाइन करके एक सिंगल नोड यहां पर बना दिए। तो ये अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहां पर अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट और यहां से टोटल करंट फ्लो हो रहा है और ये टोटल करंट ये पर्टिकुलर नोड पे आएगा और यहां से थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज I1, I2, I3। और हमें अब क्या करना है, यही तीनों करंट्स को ऐड करके चेक करना है कि वो सोर्स करंट के बराबर है कि नहीं, तो जाके हमारा KCL जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिखेंगे टू वेरीफाई KCL वी विल हैव टू प्रूव I equals to I1 plus I2 plus I3। देखो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया है और इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। हमें क्या करना है, अगर KCL यहां पे वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा हमने कहा था, देखो यही स्टेटमेंट हमने वहां पे लिखा है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम I फाइंड आउट करेंगे। I माने टोटल करंट। तो ये टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। करंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है। तो टोटल करंट फाइंड आउट अगर करना है तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। तो टोटल वोल्टेज तो हमें पता है 60 वोल्ट, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलली सॉल्व करेंगे। यहां पर ये तीनों पैरेलली है, तो पैरेलली सॉल्व करने के बाद हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तीनों को अगर हम पैरेलली सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हम ऐसा लगाएंगे, 1/RT। RT माने टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3। तो हम ये लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आप दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस पैरेलली करना चाहते हैं तो आप इसी फार्मूले का यूज करके आसानी से पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं। बस यहां पे सभी का वैल्यू पुट करो, 1/R1, R1 माने हम लेंगे दैट इज 120 प्लस 1/R2 इट मींस 80 प्लस 1/60, ठीक है। और अब हम ये तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो हमें 1/RT मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करेंगे, 120 हम कैलकुलेटर में लिखते समय इनवर्स लिखेंगे, 120 इनवर्स प्लस 80 इनवर्स
प्लस 60 इनवर्स, तो ये आ चुका है दैट इज 3/80, ठीक है, इट मीन 0.0375, 0.0375, ठीक है, आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 1/RT है, लेकिन हमें RT चाहिए तो हमें इसका एक और इनवर्स करना पड़ेगा, तो ये हम यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर RT इक्वल्स टू 1/0.0375, ठीक है, तो हमें RT इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस अब मिल जाएगा। तो ये आ चुका है दैट इज 80/3, इट मीन्स 26.666 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है। और अब ये टोटल रेजिस्टेंस का यूज करके हम आसानी से टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलो ओम्स लॉ का यूज करेंगे। सो टोटल करंट हम यहां पे लिखेंगे, टोटल करंट लिखो या सोर्स करंट लिखो एक ही बात है, टोटल करंट दैट इज आई लिखो या IT लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स IT लिखते हैं, दैट इज टोटल करंट, जैसे टोटल रेजिस्टेंस के लिए RT है वैसे टोटल करंट के लिए IT, लेकिन यहां पे डायग्राम में ऑलरेडी I है तो हम इसको I लेके सॉल्व करेंगे, तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल वोल्टेज जो है वो हमें पता है यहां पे 60 और टोटल रेजिस्टेंस हमने सॉल्व किए थे 26.666, तो अब हमें टोटल करंट यहां पे मिल जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 60/26.666, तो ये आ चुका है दैट इज 2.25, तो ये हम लिखेंगे 2.25 एम्पियर, ये हमें क्या मिला, ये हमें टोटल करंट मिल गया, इट मीन सोर्स करंट मिल गया। इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड हमें पता चल गया, लेफ्ट हैंड साइड I कितना है 2.25 एम्पियर है, ये कंफर्म है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम I1, I2, I3 फाइंड आउट करेंगे। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो I1, I2, I3 फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से ओम्स लॉ का यूज करेंगे, करंट फाइंड आउट करने के लिए दैट इज V/R हमें करना होता है। तो सबसे पहले हम I1 फाइंड आउट करेंगे, तो I1 अगर फाइंड आउट करना है तो I1 जो है ये 120 ओम में से फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 120 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है वो पता करना पड़ेगा। अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर हमें पता चल गया तो आसानी से इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला V/R हमें यूज करना है, तो इसके अक्रॉस का V इट मींस वोल्टेज कितना है वो पता करो, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा दैट इज 60 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज हमेशा अक्रॉस होता है, ठीक है, उसके पैरेलल में होता है, तो इसके पैरेलल में ये वोल्टेज है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो गया 60 वोल्ट, ये जो इसके साइड में 80 ओम है इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी 60 वोल्ट ही होगा, और ये 60 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज भी 60 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये जो 60 वोल्ट है ये तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में है, या उल्टा बोलो ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस है ये वोल्टेज के पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो सेम है, ठीक है। इसका मतलब करंट I1, I2, I3 फाइंड आउट करने के लिए आपको 60 वोल्ट ये तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज हमें यूज करना है, तो चलो हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम I1 फाइंड आउट करेंगे, तो I1 तो यहां पे जस्ट अ मिनट, यहां पे हम ब्रांच करंट्स ऐसा हम लिख लेंगे, जस्ट अ मिनट, तो यहां पे लिखेंगे ब्रांच करंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ब्रांच करंट्स, तो सबसे पहले I1, तो I1 फाइंड आउट करने के लिए दैट इज वोल्टेज कितना है, जैसा हमने कहा 60 और ये रेजिस्टेंस है 120, तो हम लिखेंगे V/R1 दैट इज 60/120, ठीक है, 60/120 इट मीन 1/2 दैट इज 0.5, तो ये हमने फाइंड आउट किए 0.5 एम्पियर, पहला करंट I1 हमें मिल गया। और अब I2 की बारी, बिल्कुल सेम उसी तरह से I2 फाइंड आउट करना है, सेकंड ब्रांच करंट, ठीक है, तो I2 के लिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज दैट इज 60 वोल्ट बाय दैट इज 80, तो ये हम लिखेंगे V/R2, ठीक है, V है 60/80, ठीक है, 60/80 आपको करना है, तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो ये आंसर आएगा दैट इज 3/4, इट मीन 0.75, तो ये हम लिखेंगे 0.75 एम्पियर। और अब I3 हम फाइंड आउट करेंगे, I3 थर्ड ब्रांच का करंट, ये देखो I3 इसके अक्रॉस का वोल्टेज 60/60, तो हम लिखेंगे V/R3 इट मीन 60/60, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 1 एम्पियर। तो फाइनली इस तरह से हमने तीनों ब्रांच का करंट फाइंड आउट कर लिए, और अब हमें ये तीनों ब्रांच का करंट जो है वो ऐड करना है और चेक करना है वो I के बराबर है कि नहीं, तो ये हम यहां पे लिखेंगे ऐड I1 I2 एंड I3, ठीक है, I1, I2, I3 को हमें ऐड करना है, ऐसा हमने मेंशन कर लिए, तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू दैट इज 0.5 प्लस 0.75 प्लस 1, ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा दैट इज 2.25 एम्पियर, और ये सोर्स करंट के बराबर है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे।
दिस इज सेम एज सोर्स करंट आई, सो देयर फोर दैट इज आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये हमने मेंशन कर लिए और यहां पे क्या हुआ, केसीएल वेरीफाई हो गया। सो हम यहां पे लिखेंगे देयर फोर केसीएल वेरीफाइड। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था वो हमने यहां पे सॉल्व कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मींस केसीएल का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।